हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को जय छठी मैया। आज छठ चैती छठ का नहाए खाए है और मैं ये छठ कर रही हूँ। ये छठ मैं पहली बार कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये मैं ससुराल में अपने आके कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए नहाए खाए का तैयारी हो रहा है, खाना बनने का। यहाँ पर कद्दू भी काट लिए हैं और ये सहजन है, इसे भी हम लोग इसे मैं काट रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। इधर देखिए, इधर खाना बनने की तैयारी हो चुकी है। देखिए इधर एक साइड साग बनना शुरू हो चुका है, एक साइड पानी चढ़ा दिए हैं चावल बनाने के लिए। जब तक पानी में उबाल आएगा, इधर साग भी बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, उधर खाना भी बन रहा है। जब तक मैं इधर पूजा वूजा कर लेती हूँ। मेरी सासू माँ पूजा कर ली है, मैं और मेरी सासू माँ और मेरे जेठ जी छठ व्रत कर रहे हैं, हम तीनों ही। वो लोग पूजा कर लिए हैं, बस मैं ही बची हुई थी। अब मैं भी पूजा कर लेती हूँ। इस दिन हम लोग गीले कपड़े में ही सूरज भगवान को जल ढारते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ये देखिए मेरा पूजा हो चुका है। मैं आज पहली बार चैती छठ करने जा रही हूँ और आज चैती छठ का नहाए खाए हैं। खाना उना बन चुका है, बस पूजा करना था, पूजा भी कर लिए हैं। चलिए अब खाना खाएंगे। और ये मेरा पहला बार मैं छठ व्रत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी साथ दीजिएगा मेरा। कुछ गलती होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी ही देर में। चलिए खाना भी लग चुका है, अब खा लेते हैं खाना। खाना में आज चना दाल में कद्दू डाल के दाल, अरवा चावल, सब्जी, साग, बचका, ये सब सारी चीज़ बनती है। दही के साथ खाते हैं हम लोग। और आज के दिन सेंधा नमक में खाना खाते हैं और घी का बना हुआ ही खाते हैं। चलिए खा लेते हैं, तब आपसे मिलती हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है। ये गेहूँ है, ये अभी खेत से कट के आया है और ये पूजा इसी गेहूँ से पूजा के लिए ठेकुआ बनता है, जो सूप पर अर्घ देना रहता है। नए वाले गेहूँ से ही ठेकुआ बनता है, इसी चलते इसे काट के लाए हैं और इसे हम लोग तोड़ रहे हैं। गेहूँ को तोड़ तोड़ के इस बोरी में रख लेंगे, उसके बाद इसे इसे पीट के निकालते हैं इसमें से गेहूँ, और उसके बाद इसे धो के सुखाएंगे और फिर इसे हम लोग जाता में पीसते हैं। घर पर ही इसे पीसते हैं और इसी को हम लोग पूजा के लिए इसे ठेकुआ बनाते हैं। ये देखिए इसे इसी तरह से हम लोग पीट रहे हैं। सास बहू मिलके दोनों ये काम कर रहे हैं और किसी को ये काम नहीं करना है। जो फास्टिंग करती हैं वही ये काम कर सकती हैं। चलिए गेहूं भी धुल चुका है, अब इसे सुखा लेते हैं। अच्छी तरह से इसे छत पर पसार देते हैं, जल्दी से ये सूख जाएगा तब इसे हम लोग पीसेंगे। धूप भी देखिए कितना टाइट हो चुका है, धूप बहुत पैर जल रहा था मेरा धूप में। इधर देखिए मेरी सासू माँ भी लगी हुई हैं, हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। और जब तक ये सूखेगा नहीं, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि पक्षी सब जूठा ना कर दे, और ये सूख जाएगा तभी हम लोग नीचे जाएंगे। चलिए इधर गेहूं भी सूख चुका है, अब इसे पीस लेते हैं। मेरी सासू माँ इसे पीस रही हैं। जाता में ही हम लोग घर पर ही पूजा के लिए आटा पीस लेते हैं, सूप के लिए जो ठेकुआ बनता है इसके लिए। बाकी जो अलग से बनता है उसे हम लोग बाहर मार्केट में पिसवा के लाते हैं। देखिए किस तरह से ये आटा इसमें निकल रहा है। आप लोगों के साथ मैं अपना नहाए खाए
पूरा छठ का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। आई होप मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी जरूर बजाइएगा। और कैसा लगा मेरा ये नहाए खाए का व्लॉग आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी ये शाम हो चुका है, यहाँ पर गीत गाया जा रहा है, गीत थोड़ा सा सुन लेते हैं, हम लोग को तो आता ही नहीं। चलिए छठी माँ का गीत सुनते हैं। सीता के लामी रामा जी रहलन पार देसिया, माए सीता भाई। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक का था, अब मैं आप लोगों से खरना के दिन मिलूंगी और ये वीडियो खरना के दिन ही जाएगा। आई होप मेरा ये वीडियो पसंद आए, प्लीज फ्रेंड्स प्लीज और फुल वॉच कीजिएगा इसको और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।